स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों की भारी डिमांड, जितने भी मैंने कमेंट देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट आए हैं वो इसी से रिलेटेड आए हैं, आप लोगों के इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जिसकी जो है 2023 जिसका एग्ज़ाम हम लोगों का तकरीबन माना जा रहा है कि जुलाई के अंदर होगा। एंड इसके फॉर्म्स हैं जो फिलअप आप लोगों ने कर लिए होंगे। एंड बिल्कुल इसकी 25 फरवरी है, यानी कि आज के दिन मैं जब ये शूट कर रही हूँ तो आज 25 फरवरी है, तो यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। तो होपफुली आप लोगों ने इसके जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल फिलअप कर लिए होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात जो करने वाले हैं वो रिलेटेड इसके सिलेबस से है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिन्होंने आई थिंक इसका जो पेपर पहले वाला हुआ था वो 2018 या 2019 में हुआ था, तो जब वो वैकेंसी आप लोगों के पास में आई थी तो जिन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया होगा तो तकरीबन वैसा सा ही पैटर्न है जो हमारा इस बार भी है। तो चलिए अब इसके सिलेबस को हम लोग बिल्कुल है जो देखते हैं। एंड देखिए, इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है वो 2730, तो ये इतनी सारी वैकेंसीज के साथ में है, तो यानी कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इसी क्लास में चर्चा बातें हैं जो करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो खैर, आप लोगों ने फॉर्म है जो फिलअप कर लिया होगा और आपको सीट्स के बारे में ये सारी चीज़ें हैं जो मालूम पड़ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम सीधा जो है पहुँचते हैं हम लोगों के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं। हमारा सिलेबस हो गया कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाली है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम थोड़ी सी क्लैरिटी है जो अपने दिमाग में बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आप लोगों का दूसरा एग्ज़ाम होगा जो कि होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब बातें ऐसी होती हैं कि आप लोगों का जो रिटन एग्ज़ाम होगा बहुत ही कम टाइम में उम्दा चीज़ों को बता करके आपकी तैयारी है जो आपका सिलेबस है उसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो बच्चे मेरे से जो KVS की तैयारी कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको चीज़ें पता हैं। अब कोर्स नए बच्चे भी हैं जो यहाँ पर जुड़ेंगे, तो हम लोग बिल्कुल काम की बातें करेंगे, जो सिलेबस के अंदर की बातें हैं और जो पिछले सालों में चीज़ें अक्सर हमसे पूछी गई हैं। अब कैसे उन पेपर्स को निकाल करके कैसे उनकी एकदम चटनी बनानी है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। तो यानी कि पिछले सालों के सारे जो पेपर हैं, सारी जो चीज़ें हैं उनको हम निकालेंगे और उनके अंदर से पूरा एक निष्कर्ष निकाल करके आपके सामने है जो लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए तैयारी के लिए, ठीक है। हमें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, ताकि एक रिग्रेट ना रहे कि काश हम मेहनत कर लेते तो ये नौकरी हमारी होती, है ना। तो यस, KVS का काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके होंगे, एंड बिल्कुल अब वो चीज़ हो चुकी है ना, एक बार के लिए अब उसको भूल जाओ, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। अब रिजल्ट पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, हम एक ही बार में उसको पकड़ करके तो नहीं बैठ सकते कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है तो हम जो है अभी कुछ ना सोचें। नहीं, ये इसको समझदारी नहीं कहते। आपके एग्ज़ाम हो चुका है ना, जाने दीजिए। अब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे उन सारी चीज़ों को आगे। अब दूसरी चीज़ है जिसको पकड़ो, है ना, यही तो ज़िंदगी है, जिसको कहते हैं ना कि बढ़ती जाती है आगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं, रुकती नहीं है कभी ये। तो अभी हमारे सामने जब KVS का एग्ज़ाम हो गया तो हमारे पास में जुलाई के अंदर इसका एग्ज़ाम है जो बिल्कुल होने वाला है। एंड तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका एक रिटन एग्ज़ाम है जो आपका बिल्कुल होने वाला है या होगा। तो इस एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ होगी, तो इस एग्ज़ाम के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस IT से रिलेटेड, और आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल के आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी बताऊंगी कि किस तरीके से आपका अंदर का सिलेबस है जो रहने वाला है। फिर आपका देखिए, इसके बाद में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट है जो होगा। 15-15 मिनट का आपको टाइम है जो दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस रहती है, हालांकि बोलने में सिंपल है, जिन्होंने इसको कभी किया होगा प्रोसेस को तो बिल्कुल जान उनकी निकली होगी, है ना, तो उनको पता होगा ये कितना सिंपल है। बट इट्स ओके, जो चीज़ें हुई नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं, इस बार हम कसर निकाल लेंगे, है ना, है ना, इंतज़ार इसी चीज़ का था। तो चलिए अब रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो करेंगे तो ये आपका जो है तकरीबन 100 नंबर का, और इसमें 3 घंटे का आपको टाइम है जो बेसिकली दिया जाएगा। तो 150 आपके पास में टोटल MCQs हैं जो बेसिकली आएंगे। तो देखिए, 60% तकरीबन आप कह सकते हो 90 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के पास में जो चीज़ें आएंगी वो रिलेटेड आएंगी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर आपको GK जो पढ़ना होगा वो राजस्थान का GK है जो पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग होगी अच्छी खासी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। अब देखिए, सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करेंगे तो स्टेप वन में आपका रिटन एग्ज़ाम है, फिर आपकी एक मेरिट आएगी। तो मेन ये एग्ज़ाम आपका जो है कह लो कि एक तरीके से जो कह लीजिए मेन इंपॉर्टेंस है जो रखता है, वो ऐसा क्यों, क्योंकि इसी के आधार पर आगे चलकर ये चीज़ें हैं जो प्रोसेस करेंगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत अच्छे खासे नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अच्छा स्कोर हासिल कर
कर पाते हैं, उतना ही फिर जब आपका ये सेकंड वाला टेस्ट होने के बाद में जो मेरिट आएगी उसमें आपको उतना ही फायदा है जो मिलेगा। देन आप लोगों का थर्ड स्टेप के अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा, मेरिट निकलेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन फाइनल जाकर के आपका रिजल्ट है जो होगा। तो ये प्रोसेस इसके कुछ रहने वाली है, तो ये पड़ाव कह सकते हो, इन पड़ावों से गुजर करके आपको आगे है जो एक मंजिल है जो फाइनल सिक्स रैंक पर जाकर के आपको मिलेंगी, है ना। तो मतलब कैसे जो छानेंगे लोगों को, है ना, कि रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई, फिर उसके बाद मेरिट निकली आपकी, है ना। तो ऐसे कर करके हम सिक्स स्टेप पर पहुंच करके फिर हम हैं जो सरकारी नौकरी जो हमारे हाथ में आएगी, है ना। यस, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए डिटेल में मैंने आपके जो सिलेबस है उसी का स्क्रीन शॉट ले लिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, कुछ रह जाए इससे अच्छा मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया। तो अब आप देखिए जो भाग एक है यानी कि पार्ट वन है, जिसके अंदर देखो मैंने कहा था एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सारी चीज़ें, इसमें क्या है देखिए, ऊपर वाला हिस्सा आपका देखिए रीजनिंग का है, तो रीजनिंग आपको एक अच्छे खासे लेवल की तैयार करनी होगी जिसमें 30-35 क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी खासी रीजनिंग हो जाती है, बट उससे भी आपको एक अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ PYQs कर रहे होंगे जिससे हमें आइडिया लग रहा होगा कि रीजनिंग के किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको आते हैं। फिर आप GK की बात कर लोगे, करंट अफेयर की बात कर लोगे, राजस्थान रिलेटेड, हमारे पूरे इंडिया और राजस्थान आप मेनली यहाँ पर कहिए कि जो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अब बात आती है उसके बाद में कि आपको कुछ मेजर जो डेवलपमेंट हो रखे हैं IT सेक्टर के अंदर, तो वो आपको थोड़े से हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। कि अगर IT से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल हुआ है, कोई भी कुछ भी चीज़ें हो रही हैं राजस्थान में या उससे बाहर भी, तो हमें उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें हैं जो बेसिकली पूछी जाएंगी। अब आगे चलते हैं और यहाँ से हमारा जो ओवरव्यू से लेकर के नीचे तक का पूरा सिलेबस स्टार्ट होता है, तो ये सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। अब ऊपर के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें मेजर डेवलपमेंट वगैरह IT से रिलेटेड है, वो मैं भी आपको करा दूंगी, ठीक है। हो सके तो हम राजस्थान GK को शुरू करेंगे, लेकिन इसकी पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी लेते हैं B से लेकर के G तक के सेक्शन की, क्योंकि वो हमारा फील्ड है, ठीक है। अब आप ऊपर वाले सेक्शन को जो तैयार कर सकते हो कहीं से भी, अगर आपको कोई अच्छी जगह पता है, अच्छा चैनल पता है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बाकी बच्चों को एडवाइस कर सकते हो इसके लिए। बाकी हम अपने चैनल के ऊपर एक ओवरव्यू से लेकर के टिल डाउन तक नीचे, और ऑफ कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी PYQs हो रखे हैं IA के, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली करेंगे, ठीक है। तो यस, इस नौकरी को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, ये पूरा का पूरा टारगेट हमारा रहेगा, जैसे KVS के अंदर रहा था। बिल्कुल वो रात हम सो नहीं पाए थे क्योंकि आप लोगों के मैसेज हैं जो मेरे आंखों के आगे, दिमाग के आगे बार बार आ रहे थे, मतलब इट्स लाइक कि मतलब इतनी सारी दुआएं, है ना। बिल्कुल उनको दुआएं बोलेंगे अगर आपने हमें थैंक यू बोला कि हमारी वजह से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन है जो अगर सही हुआ था, तो उससे बड़ी एक बात नहीं हो सकती कोई भी एक टीचर के लिए, है ना। तो वो जो है कह लीजिए कि आप जो है मरते दम तक आपको वो चीज़ें हैं जो याद रहती हैं, ऐसी चीज़ें, बिल्कुल, है ना। तो एक टीचर के लिए उसकी जो जर्नी होती है ना, उसके जो बच्चे जिस जो सक्सेस हासिल करते हैं या उनकी जो सक्सेस की जर्नी होती है, तो वो उसी से ही जुड़ी होती है। आई थिंक बहुत सारे जो टीचर होंगे वो यहाँ पर इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हम अंदर से कितना खुश हुए थे। तो वही चीज़ यहाँ पर अभी भी टारगेट है जो रहने वाली है, वो ये कि पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे मन लगा करके हम ये सारी चीज़ों को करेंगे। तो आपके पास में अगर हम बहुत ही डीप में जाएं तो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, ये हमें इनकी अंदर तक डीप में नॉलेज है, चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। हालांकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं, बट ऑफकोर्स ये एग्ज़ाम की बात है, कोई ऐसा छोटा मोटा टेस्ट नहीं है कि हम एक्सेल में चार कमांड कर ली तो हमें आ गया, नहीं, हम अंदर जा करके इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें। देन हम लोग जो है नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल, बाइनरी, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें अंदर जा करके करेंगे। देन इंटरनेट से रिलेटेड लैंडमैन, पैन वैन, ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फिर मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, ठीक है। देन ये वाली चीज़ें, ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात होगी। सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें, हमारे वायरस, मलेशियस अटैक्स, इनके बारे में हम लोग चीज़ें बातें हैं जो डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास में कुछ हिस्सा सी लैंग्वेज का भी है, बिल्कुल इतना डीप में जाकर के नहीं है, लेकिन हाँ, हम टच तो करने ही वाले हैं। खैर, तो इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं पूरी की पूरी इस प्रोसेस, इस जर्नी के दौरान रहने वाली है। तो ये हमारा पार्ट वन है। अब फिर पार्ट टू होगा, जब आप पहले वाले पार्ट में जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर आपका ये होगा जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग है,
एंड उसके बाद में मैं आपको पूरी प्रोसेस खैर बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस हैं जो आपको 1 तारीख से लगातार आपको इसकी क्लासेस चैनल के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपके साथ की आपके प्यार की पहले भी ज़रूरत थी, अभी भी है और शायद शायद नहीं हमेशा ही है जो रहेगी, क्योंकि एक टीचर अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक उसके बच्चे नहीं हैं, ऑफकोर्स है ना। तो आप ही से हम हैं, तो आप ही है जो इस चैनल को बिल्कुल अपना चैनल समझ करके अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करोगे। अगर आपको लगा कि हमने आपके एग्जाम में आपकी थोड़ी भी है जो है मदद है जो की होगी, एंड बिल्कुल सच्चे दिल से यही चीज़ें रहती हैं कि अगर कोई एक उम्मीद छोटी सी हमसे लगा रहा है ना, तो उस उम्मीद को जो है बिल्कुल बनाए रखें और उनकी उम्मीदों पर है जो बिल्कुल खरा उतरे, है ना। तो ये चीज़ें हमने प्रूव भी की हैं एंड ऑफकोर्स जिंदगी भर ये चीज़ें आगे भी हैं जो चलती रहेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, और दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर है जो शेयर करिएगा, एंड इससे हमारी बहुत बड़ी है जो हेल्प होगी। वो हेल्प इस वजह से भी होगी कि जो चीज़ें हम करना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बट फिर उनको सोर्स नहीं मिल पाते हैं, बीच में चीज़ें शुरू होती हैं ख़त्म हो जाती हैं किसी भी कारण की वजह से, तो यहाँ से उनको चीज़ें हैं जो मिल पाए। तो जो चीज़ें हम कन्वे करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को वो हर एक बच्चे तक है जो पहुँच पाए, उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया होंगे आप लोग जो आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम मिलते हैं आपको इस लेक्चर के अंदर हमारे कंप्यूटर ओवरव्यू के इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें आगे डिस्कस कर रहे होंगे सिलेबस से रिलेटेड। काम की बातें होंगी, चीज़ें तो आपने पहले भी की होंगी, करेंगे भी बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर जो बातें होंगी वो बिल्कुल काम की होंगी, और ये चीज़ें आपको दिल तक हैं जो जाएंगी कि बात जो हो रही है वो काम की हो रही है, पहले भी हुई थी, अभी भी होगी, आगे भी होती रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एंड थैंक यू सो मच इस यहाँ लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।